नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। छतरपुर रेंज के डीआईजी विवेक राज सिंह अपनी फिटनेस को लेकर काफी सेंसिटिव रहते हैं और यही वजह है कि अक्सर उन्हें पहाड़ों पर चढ़ते हुए, चहलकदमी करते, साइकिलिंग करते हुए, दौड़ते देखा जा सकता है। इसी क्रम में अब उन्होंने साइकिल से लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा की और बीच में पड़ने वाले थानों का मुआयना भी किया। वे छतरपुर से चलकर साइकिल के माध्यम से टीकमगढ़ पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रास्ते में मिलने वाले लोगों से भी चर्चा हुई और धीमे धीमे चलने से पूरा मुआयना हो जाता है। उन्होंने कहा है कि जब हम धीमी गति से निकलते हैं तो उन जगहों को और चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं। साथ ही साथ साइकिलिंग फिटनेस के लिए भी लाभदायक है। टीकमगढ़ पहुंचे डीआईजी ने इस दौरान बलदेवगढ़ थाने का निरीक्षण किया और जिले के अधिकारियों के साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक भी की। बेसिकली मेरा ये मानना है कि जब हम स्पीड से चलते हैं तो हम कई सारी चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, उतनी सूक्ष्मता से नहीं देख पाते हैं। जब हम धीमी गति से जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को बहुत सूक्ष्मता से देख पाते हैं और किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, अपराध नियंत्रण के लिए जगह को जानना बहुत ज़रूरी है, लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। सेतु जब हम धीमी स्पीड से चलते हैं तो साइकिल से रिलेटिवली बहुत धीमी स्पीड में हम अधिक समय तक चीज़ों को अवलोकन कर पाते हैं और उससे हम बेहतर तरीके से अपराध नियंत्रण में या विधि व्यवस्था मेंटेनेंस में अपना योगदान दे सकते हैं। तो फिटनेस को लेकर भी डेफिनेटली उसका एक और फ़ायदा होता है कि आपको अपने ही क्षमताओं को बढ़ाने का मौका मिलता है, आपको अपनी क्षमताओं को पहचानने का मौका मिलता है और जो आपकी शारीरिक जो बोलना चाहिए फिटनेस है उसको भी वृद्धि करने में सहायक होता है।